ठीक है इनका देखो ये बार बार आ रहे हैं। ये बड़ा राखरा का मेंबर है उसका नाम ही नहीं। अरे जी पूरा सही कर गया लेडीज है ना पंडित के नाम से ये खासी बड़ी मुलापली है जो हम तो दोनों लाइन गोवा दिस अगर सब पैसे देते तो फिर हम ज्यादा नहीं किया क्यों करोगे किस इंटेंशन से किया मेरा नाम जावेद कोहली हम वार्ड नंबर 1 में रहने वाले हैं। ये आप देख सकते हो कि हम सब लोग सुबह यहाँ पे जितने भी मेरे पीछे खड़े हुए हैं ये सब अभी आपके सामने मौजूद हैं और इन सब का वोटर लिस्ट में देखो जब असेंबली इलेक्शन हुए सब में वोटर सबका वोटर लिस्ट में नाम है सब ने वोट डाले गए। अभी आप जो ये अभी हम इलेक्शन में यहाँ पे वोट डालने के लिए आए सबके वोट डिलीट किए गए सब आप सामने देख सकते हो सबके सामने लिखा हुआ डिलीट किसी का 4 जगह वोट है किसी का 1 जगह भी वोट नहीं है। ये देख सकते हैं पहले भी हमारे पास प्रूफ है ये सब वोट डालने के लिए है। कोई 8 साल कोई 6 साल का 4 साल का बच्चा नहीं है किसी को डेथ लिखा हुआ है जो कि सब आपके सामने मौजूद है। ये बुजुर्ग हमारे सामने देखो ये घर से चल गया इस सर्दी में यहाँ वोट डालने के लिए और यहाँ पे इनका वोट डिलीट किया गया है। ये सब सरासर हमारे साथ जुल्म किया गया है सिर्फ वार्ड नंबर 1 को दबाया गया है। हमारे पूरी फैमिली में हमारे परिवार के 21 वोट है जिसमें से कि हमारा सिर्फ 1 वोट है बाकी कोई भी वोट यहाँ पे नहीं है सब वोटों को डिलीट किया गया है। ये आप सब लोगों के मीडिया से हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाया जाए। हम लोग आपके शुक्रगुजार है कि आप वहाँ से चल के यहाँ तक हमारे पास आए हो कि हमारे यहाँ पे एक मेम्बर है वार्ड नंबर 5 के मेंबर है मेंबर का वोट भी नहीं है। अगर वो मेंबर वार्ड नंबर 2 का मेंबर है उसका भी वोट नहीं है अगर ठीक है वार्ड नंबर 1 का भी हमारे मेंबर ये बुजुर्ग हमारे आप इधर आ जाओ हमारे सामने इधर आ जाओ। अगर ये मेंबर है हमारे इनका वोट डिलीट किया गया ये मेंबर कहाँ से बने ये भी एक आप लोगों के सामने हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज आगे पहुंचाओ। हमारे जितने भी मेंबर हैं DDC कैंडिडेट हमारा उनका भी वोट नहीं है ये हमारे बुजुर्ग हमारे सामने खड़े हुए हैं इनका भी वोट नहीं है। अब आप ही बताओ कि किस चीज़ की हमें सजा दी जा रही है इसके लिए हम कहाँ जाए और किसके पास जाए ये हमें आप बताओ। उसका नंबर भी डिलीट है और मेरा भी जो बाहर लिस्ट है उसका आपका वोट है उसमें पहले दे दिया था पहले दे दिया अंदर नहीं गई तो मुझे अंदर वोट नहीं डालने दिया। फजल मुश्ताक जी ये कौन सा गांव है कौन सा स्टेशन ये कलर कटल बीफ बजिंग हो रहा है इस पर इसका DDC कलर कटल आपने वोट दिया नहीं अभी नहीं दिया तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि उनके वोट डिलीट किए गए क्या कहेंगे। यहाँ मैंने लिस्ट देखी है मैं खुद आई एम रिटायर्ड हेडमास्टर जी मैंने देखा और कई बार ये भी इलेक्शन भी कंडक्ट किया लेकिन ये हाल जो इधर देख रहा हूँ मैं ये कभी नहीं देखा है। ये लिस्टें आपके सामने हैं हर नाम पर लिखा आदमी मौजूद है ये अभी मोहम्मद है नाम का आदमी ये इधर लिखा था 20 आदमी यहाँ मौजूद हैं जो खड़े हैं जिंदा हैं और ये इसी वार्ड के हैं दूसरी वार्ड के नहीं जी और नाम के आगे लिखा हुआ डिलीटेड। तो मैं तो कोई चाल समझता हूँ मेरा अपने समझता हूँ जी इट्स नॉट फेयर तो क्या कहना चाहेंगे आप कि ये क्या होना चाहिए। मैं कहने को वोट एक वोटर अपनी चॉइस से जिसको मर्जी दे जी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं जी वहाँ नो कंपल्शन जी लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक डेमोक्रेटिक मुल्क में जो वोटर है
उसका वोट देने का तो हक है ना, वो तो ना छीना जाए, यहाँ तो हक ही छीना गया। तुम्हारा नाम आदमी जिंदा है, मौजूद है, तुम्हारा नाम डिलीट है, उसके साथ क्या आप मीडिया वाले क्या इज इट जस्टिफाइड, क्या इंसाफ है? उसको वोट तो देना दो, अपनी मर्जी जिसको मर्जी चाहे वोट दी, इन्हीं पार्टी में से किसी एक कैंडिडेट को देगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।